गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन में अपने घरों में ही होंगे। चलो बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मांग फलन, जिसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डिमांड फंक्शन। ठीक है बच्चों, ये डिमांड फंक्शन होती क्या चीज़ है, किसे कहते हैं डिमांड फंक्शन? तो डिमांड फंक्शन का मतलब है कि किसी वस्तु की मांग, किसी वस्तु की मांग और उसे प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच का संबंध। जैसे किसी चीज़ की मांग होती है, बहुत चीज़ों से प्रभावित होती है, मौसम होता है, आय होती है, कीमत होता है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इनके कारण क्या होता है, उनकी मांग प्रभावित होती है। ठीक है बच्चों, तो इसके कारण अब हम इसी को क्या कहते हैं, और उनके बीच का संबंध, यानी कि किसी वस्तु की मांग और उसे प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच, मांग और उसको प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच का जो संबंध होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मांग फलन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसी मांग फलन को हम इस समीकरण से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये समीकरण क्या लिखी हुई है, क्वांटिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स, प्राइज ऑफ एक्स, प्राइज ऑफ आर, वाई, टी, ई, जी पी, वाई डी, एन, एस। ऐसे लग रहा होगा कि ए बी सी डी क्या लिख रखी है, हमारे तो समझ में नहीं आई। चलो बारी बारी से धीरे धीरे एक एक करके इन सभी कंसेप्ट को समझते हैं कि प्राइज ऑफ एक्स क्या है, प्राइज ऑफ आर क्या है, वाई क्या है, टी क्या है, ई क्या है, जी पी क्या है, वाई डी क्या है, एन क्या है, एस क्या है। धीरे धीरे से सभी कंसेप्ट को समझते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि इस पूरे समीकरण को हम टू पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। ये जो हमारा प्राइज ऑफ एक्स से लेके ई तक का एरिया है, ये कहलाता है व्यक्तिगत मांग फलन। ये क्या कहलाता है, व्यक्तिगत मांग फलन। और जो ये इसके बाद वाला एरिया है, ये चीज़ हमारा कहलाता है बाजार मांग फलन। ये क्या कहलाता है, बाजार मांग फलन। अब इसको व्यक्तिगत क्यों कहते हैं, इसको बाजार मांग फलन क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, पहला है व्यक्तिगत मांग फलन। व्यक्तिगत मांग फलन को व्यक्तिगत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है, हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके से प्रभावित कर सकता है। ठीक है, जैसे हो सकता है कि किसी वस्तु की कीमत है, किसी वस्तु की कीमत है, अब मान लिया कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ी, तो हो सकता है उसके लिए मैं मांग करूं, क्या मुकेश अंबानी भी उसके लिए मांग कम करेगा? ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, एक हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। ठीक है बच्चों, इसी में हम क्या करेंगे, अब व्यक्तिगत मांग फलन के सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है प्राइज ऑफ एक्स। प्राइज ऑफ एक्स, इसको कहते हैं प्राइज ऑफ कॉमोडिटी, यानी कि हिंदी में कहते हैं वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत का मांग के साथ क्या रिलेशन होता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और वही उस वस्तु की कीमत क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उस वस्तु की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ध्यान से देखो बच्चों दोबारा एक बार, कि कीमत के बढ़ने पर मांग कम हो रही है और कीमत के कम होने पर मांग बढ़ रही है, तो इनके बीच कैसा रिलेशन है, इनके बीच नेगेटिव रिलेशन है। इसी नेगेटिव रिलेशन को हम हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक संबंध। ऋणात्मक संबंध का मतलब क्या होता है, कि जब एक चीज के बढ़ने पर दूसरी चीज घट रही होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव रिलेशन कहते हैं, ऋणात्मक संबंध कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आई ये बात। चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइस ऑफ आर, यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। हिंदी में कहते हैं इसको संबंधित वस्तु की कीमत। संबंधित वस्तु क्या होती है, संबंधित वस्तु वे वस्तु होती हैं जो एक दूसरे से संबंध रखती है, जैसे कि कार और पेट्रोल, चाय और कॉफी, मोबाइल और सिम कार्ड। ठीक है, अब नॉर्मली मैं कहूं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने के कारण,
पेट्रोल की कीमत बढ़ने के कारण किताबों की कीमत मांग बढ़ गई, ऐसा कुछ हो सकता है? इन दोनों के बीच कुछ लिंक बना, पेट्रोल और किताबों के बीच? कोई लिंक नहीं बना, क्योंकि पेट्रोल और किताब आपस में कोई संबंध नहीं रखती, ठीक है। तो जो संबंधित वस्तु होती है इनको हम टू पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। पहला है प्रतिस्थापन वस्तु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन गुड, प्रतिस्थापन वस्तु। ये प्रतिस्थापन वस्तु क्या होती हैं? प्रतिस्थापन वस्तु वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग करते हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी। जैसे फॉर एग्जांपल हम दुकान पे जाते हैं, हम कहते हैं कॉफ़ी दे दो, कॉफ़ी नहीं है चलो चाय दे दो, या फिर चाय दे दो, चाय नहीं है तो चलो कॉफ़ी दे दो, या फिर हम कहते हैं कि हाँ भैया लिम्क वो दे दो, माजा दे दो, माजा नहीं है चलो स्लाइस दे दो। यानी कि ऐसी वस्तु जो एक दूसरे की जगह पे प्रयोग की जा सकती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं। अब प्रतिस्थापन वस्तुओं के बीच, जो प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं उनके बीच धनात्मक संबंध होता है। धनात्मक मीन्स पॉजिटिव, धनात्मक मीन्स पॉजिटिव। ये पॉजिटिव संबंध का मतलब क्या होता है? ये नीचे देखो कि देखो हमने यहाँ पे लिया चाय और कॉफ़ी को। अब नॉर्मली देखो यहाँ पे मैंने एरो बनाया, ये देखो प्राइस कीमत, सॉरी कि हाँ जी कीमत जो है हमारी, ये चाय की कीमत कम हो रही है, चाय की कीमत कम हो रही है। तो उसके कारण देखो जब नॉर्मली किसी चीज़ की कीमत कम होती है तो उसकी मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब नॉर्मली देखो जब चाय की मांग बढ़ेगी तो कॉफ़ी की मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। छोटी सी बात है, अगर 100 बंदे हैं, मान लिया हमारे घर में 10 बंदे हैं, 10 में से क्या करें, ज़्यादा बंदों ने चाय पीनी शुरू कर दी तो कॉफ़ी की मांग अपने आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अब इसी तरह दूसरे में देखो कि जब चाय की कीमत बढ़ गई, चाय की कीमत बढ़ी तो चाय की मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब चाय की मांग कम होगी तो कॉफ़ी की मांग अपने आप क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब मैं क्या करूं, बीच से मैं इसको गायब कर दूं, बीच से मैं इसको गायब कर दूं। इसके गायब करने पे मैंने क्या देखा कि चाय की कीमत घटने के कारण, चाय की कीमत घटने के कारण कॉफ़ी की मांग घट रही है। इसी तरह चाय की कीमत बढ़ने के कारण कॉफ़ी की मांग बढ़ रही है, ठीक है। यानी कि बढ़ने के कारण बढ़ रही है, घटने के कारण घट रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव रिलेशन कहते हैं, धनात्मक संबंध कहते हैं, ठीक है बच्चों? ठीक है, समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे धनात्मक संबंध है किसके बीच? प्रतिस्थापन वस्तु के बीच। प्रतिस्थापन वस्तु के बीच कैसा संबंध होता है? धनात्मक। धनात्मक का मतलब एक की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग बढ़ जाती है और एक की कीमत घटने के कारण दूसरे की मांग कम हो जाती है, ठीक है। अब आगे हम आते हैं पूरक वस्तुओं पे। ये पूरक वस्तुएं क्या होती हैं? पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो दो वस्तु आपस में मिलकर किसी आवश्यकता को संतुष्ट करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कार और पेट्रोल, ठीक है। अब ये मत कह देना कि मैं कार को पेट्रोल की जगह डीजल से चला लूंगा, फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कार किससे चलती है? सिर्फ पेट्रोल से चलती है, ठीक है बच्चों। अब नॉर्मली ये है कि अगर कार की कीमत बढ़ जाए, कार की कीमत बढ़ जाए तो उससे क्या होगा? कार की मांग कहीं ना कहीं कम होगी। जब कार की कीमत बढ़ जाएगी तो कार की मांग क्या होगी? कम होगी। अब कार की मांग कम होगी तो पेट्रोल की मांग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है बच्चों। दोबारा बता रहा हूँ कि कार की कीमत बढ़ी जिसके कारण क्या हुआ? कार की डिमांड कम हुई, मांग कम हुई। जब कार की मांग कम होगी तो पेट्रोल की मांग भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी तरह अगर हम देखें कि कार की कीमत क्या हो गई? कम हो गई। कार की कीमत कम होगी तो अपने आप कार की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब कार की डिमांड बढ़ेगी तो अपने आप पेट्रोल की डिमांड भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब मैं जरा बीच से क्या करूं, इस चीज को खत्म कर रहा हूं। ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बीच में लिखा था, ठीक है। अब यहां पे हम देखें कि कार की कीमत बढ़ने के कारण पेट्रोल की मांग क्या हो गई? कम हो गई। कार की कीमत बढ़ने के कारण पेट्रोल की मांग क्या हो गई? कम हो गई। तो एक चीज के बढ़ने के कारण जब दूसरी चीज घट रही होती है तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव रिलेशन, ठीक है, नेगेटिव रिलेशन, ऋणात्मक संबंध, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है उपभोक्ता की आय, इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर का क्या सिस्टम होता है? हमें पता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो मांग है उसका रिलेशन हमारी
इनकम के साथ होता है, इनकम के साथ होता है ना, लेकिन वो भी क्या होता है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, यानी कि वस्तु पे डिपेंड करता है कि वस्तु किस टाइप की है, वस्तु किस टाइप की होती है। इसीलिए हमने क्या करा कि इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से वस्तुओं को दो हिस्सों में बांट दिया, आय के हिसाब से, आय के अनुसार हमने क्या करा, वस्तुओं को दो हिस्सों में बांट दिया। पहला हमने कहा सामान्य वस्तु, नॉर्मल गुड्स। ये नॉर्मल गुड्स क्या होती हैं, यानी कि सामान्य वस्तुएं क्या होती हैं, तो सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका आय के साथ धनात्मक संबंध होता है, जिनका आय के साथ कैसा संबंध होता है, धनात्मक। धनात्मक का मतलब क्या है कि जैसे मेरी आय बढ़ी, जैसे ही मेरी आय बढ़ी इनकी मांग बढ़ जाएगी, और जैसे ही मेरी आय कम होगी तो इनकी मांग कम हो जाएगी। जैसे एग्जांपल लूँ कि अभी जो है मेरी इनकम 10,000 रुपये है, मान लेते हैं कि मेरी इनकम क्या है, 10,000 रुपये है। अगर यही मेरी इनकम 20,000 रुपये हो जाए तो जो मैं डालडा घी के परोठे खा रहा हूँ, किस चीज़ के खाऊंगा, देसी घी के परोठे खाऊंगा। क्यों करा मैंने ऐसा, क्योंकि मेरी इनकम क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है बच्चों, हर व्यक्ति की इनकम बढ़ने के कारण उसकी मांग पर फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसका एग्जाम्पल लिया है देसी घी, कि जैसे किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो उसकी मांग इन सामान्य वस्तु की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देखो, जैसे इनकम बढ़ी तो उसकी मांग क्या हो गई, बढ़ गई। इनकम के कम होने पर उसकी मांग क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है बच्चों, अब दूसरे टाइप की वस्तु पर चलते हैं, निम्न कोटि की वस्तु। ये थोड़ी लो क्वालिटी की वस्तु होती है। ठीक है, ये क्या होती है, निम्न कोटि की वस्तु, लो क्वालिटी की वस्तु होती है। इनका क्या होता है, आय प्रभाव ऋणात्मक, आय प्रभाव क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यानी कि जैसे ही बंदे की या किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो अपने आप इन चीज़ों की मांग क्या है, कम करना शुरू कर देता है। यानी कि जैसे ही इनकम बढ़ती है तो इन चीज़ों की मांग क्या है, कम करना शुरू कर देता है। जैसे एग्जांपल मैंने लिया डालडा घी। अब नॉर्मली बात है, कम इनकम में क्या करें, मैं डालडा के परोठे खाता था, जैसे मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो फिर मैं किस चीज़ के परोठे खाना शुरू कर दूंगा, देसी घी के परोठे खाना शुरू कर दूंगा, और मेरी क्या हो जाएगी, इन चीज़ों की मांग कम हो जाएगी। दोबारा मैं बता रहा हूँ कि निम्न कोटि की वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। आय प्रभाव ऋणात्मक का मतलब क्या है कि जैसे ही मेरी आय बढ़ेगी तो इनकी मांग कम हो जाएगी, और आय के कम होने पे मांग बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, अगले पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 3, टेस्ट एंड प्रिफ्रेंस। टी मीन्स टेस्ट एंड प्रिफ्रेंस। ठीक है, रुचि एवं प्राथमिकता है। अगर आपका किसी वस्तु में इंटरेस्ट बन जाता है, आपकी रुचि बन जाती है, तो आपकी मांग बढ़ जाती है। और जैसे ही आपका टेस्ट उसके अंदर कम हो जाए या आपकी रुचि कम हो जाए तो आपकी मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, जैसे देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि जैसे ही आपका टी यानी कि टेस्ट आपका इंक्रीज हो रहा है तो आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। टेस्ट के डिक्रीज होने पे आपकी डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो उपभोक्ता की जो मांग होती है उसकी रुचि के साथ उसका कैसा संबंध होता है, धनात्मक। कि जैसे ही उसकी रुचि उसका बढ़ेगी उसकी डिमांड बढ़ेगी, रुचि कम होगी तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। ठीक है बच्चों, अगले पॉइंट पर चलें, ई एक्सपेक्टेशन, कीमत संभावनाएं। इसको हम कह सकते हैं भविष्य कीमत संभावनाएं। भविष्य कीमत संभावनाएं क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इसका रोल भविष्य में होता है। जैसे मान लो मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि आज पेट्रोल का रेट 72 रुपीज़ पर लीटर है। सपोज कर रहा हूं मैं कि पेट्रोल का रेट 72 रुपीज़ पर लीटर है। ठीक है, अगर मुझे ये पता चले, मुझे क्या किसी को भी पता चले, एक मिडिल क्लास एक लोअर क्लास फैमिली को, कि अगर ये पेट्रोल का रेट कल 100 रुपये लीटर हो जाएगा, पेट्रोल का रेट कल के बारे में बता रहा हूँ, भविष्य के बारे में बता रहा हूँ, भविष्य में कीमत बढ़ने के बारे में बता रहा हूँ, तो क्या करेंगे हम लोग, आज ही अपनी बाइक लेके, स्कूटर लेके, कार लेके क्या कर लेंगे, टंकी फुल करवाने चले जाएंगे। यानी कि भविष्य में कीमत बढ़ने के कारण वर्तमान में उसकी मांग क्या हो रही है, बढ़ रही है। दोबारा से, भविष्य में कीमत बढ़ने के कारण वर्तमान में कीमत क्या हो रही है, वर्तमान में मांग क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, अगर यही एक पता चल जाए कि कल से पेट्रोल 10 रुपये लीटर हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, छोड़ो आज पेट्रोल भराना, आज छोड़ो कल ही भराएंगे। ठीक है, तो इसमें एक ही यही चीज़ लिखी हुई है कि कीमत संभावना में भविष्य में कीमतों में होने वाले परिवर्तन की संभावना के कारण वर्तमान में वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है। जैसे किसी वस्तु की भविष्य में कीमत
बढ़ने की संभावना हो तो वर्तमान में उसकी मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और भविष्य में कीमत कम होने की संभावना हो, जैसे मैंने कहा 10 रुपये लीटर, तो क्या कहेंगे उसकी मांग वर्तमान में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब आगे इसी को चीज़ देखते हैं कि फ्यूचर के प्राइस, जैसे ही फ्यूचर के प्राइस बढ़ने के चांसेज होते हैं तो प्रेजेंट में डिमांड बढ़ जाती है। FP का मतलब फ्यूचर प्राइस, PD का मतलब प्रेजेंट डिमांड। फ्यूचर में प्राइस घटने के चांसेज हों तो प्रेजेंट में डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद बाजार मांग फलन। बाजार मांग फलन में क्या बताएंगे हम, बाजार मांग फलन का मतलब होता है जो पूरे बाजार को एक समान तरीके से, अब क्योंकि अभी तक जो हमने बातें पढ़ी वो व्यक्तिगत की थी, हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके से प्रभावित करती है, लेकिन बाजार क्या है, सबको एक जैसा। अब जैसे मैं व्यक्तिगत की मांग बात करूं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई तो उसके कारण एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बाइक कार स्कूटर नहीं ही है उसके उसकी मांग पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, मुकेश अंबानी की बात करूं मैं, जो दुनिया अपने इंडिया का सबसे अमीर आदमी है, उसकी मांग पे क्या फर्क पड़ेगा, वो कहेगा चाहे 100 की जगह 200 का हो जाए, मैं तो कल भरवा लूंगा परसों भरवा लूंगा, जब बढ़ेगी बढ़ी जाएगी। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, व्यक्तिगत मांग फलन कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो बातें हम पढ़ेंगे पूरे बाजार को एक जैसा प्रभावित करती है, पूरे बाजार को एक जैसा प्रभावित करती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बाजार मांग फलन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास है GP, सरकार की नीति, गवर्नमेंट पॉलिसी। सरकार की नीति क्या करती है, किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है, कि अगर सरकार किसी चीज़ की मांग को बढ़ाना चाहती है, सॉरी पहले घटाना पड़ते हैं, कि अगर सरकार किसी वस्तु की मांग को घटाना चाहती है तो क्या करेगी, उस चीज़ पे टैक्स ज़्यादा लगा देगी। टैक्स लगाने के कारण क्या हो जाएगा, टैक्स ज़्यादा लगाने के कारण क्या होगा, उसकी कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि उत्पादन की लागत बढ़ेगी। जब उत्पादन की लागत बढ़ेगी तो जो उसका प्रोड्यूसर होगा उसको क्या करेगा, ज़्यादा कीमतों पे बेचेगा। जब उसकी मार्केट में कीमत बढ़ेगी तो अपने आप मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो सरकार की नीति भी क्या कर सकती है, किसी वस्तु की मांग को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, अगर यही मैं कहूँ सरकार किसी चीज़ की मांग को बढ़ाना चाहती है तो क्या करेगी, वो प्रोड्यूसर को सब्सिडी देना शुरू कर देगी, प्रोड्यूसर को सब्सिडी देना शुरू कर देगी। सब्सिडी का मतलब छूट देना शुरू कर देगी, कि जैसे मान लो सरकार क्या करती है, किसानों को बिजली सस्ती देती है, उसके बाद क्या उनको और तरह तरह के उद्योग, जैसे आपने SEZ EPZ का नाम सुना होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, इन सब में सरकार क्या करती है, उनको सब्सिडी देती है, तरह तरह की छूट देती है, ताकि वो लोग क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके और प्रोडक्शन मोटिवेट हो सके, यानी कि उसकी मांग को बढ़ाना चाहती है, तो सरकार ऐसे काम करती है। ठीक है बच्चों, अब आगे हमारे पास नेक्स्ट है YD, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का वितरण। कि आय का वितरण का मतलब क्या है, कि जहाँ पे सभी व्यक्ति एक समान इनकम लेवल के रहते हो, यानी कि चाहे तो सारे अमीर रहते हों या सारे क्या हैं गरीब रहते हों। ठीक है, तो जहाँ अमीर लोग होंगे वहाँ पे अमीरों वाली वस्तु की मांग ज़्यादा होगी, जहाँ गरीब लोग रहेंगे वहाँ पे गरीबों वाली वस्तु की मांग ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, चाहे अब मान लो हम सारे अमीर वाली बस्ती में गए, वहाँ पे अमीरों वाली मांग ज़्यादा है। ठीक है, तो जहाँ पे आय का वितरण समान है, समान का मतलब सभी एक जैसे लोग, वहाँ पे मांग क्या होती है, ज़्यादा होती है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। ठीक है, अब जैसे मैं कहूँ कि अब अमीरों की बस्ती है तो रोज़ मान लिया रोज़ पनीर की सब्ज़ी खाते हैं, तो वहाँ पनीर की मांग ज़्यादा। वही हम गरीब की बस्ती में जाएँ तो वहाँ पर क्या है, आलू की मांग ज़्यादा है, क्योंकि वो आलू की सब्ज़ी रोज़ खाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे एक जैसे एक लेवल के एक कैटेगरी के बंदे रहते हैं वहाँ पे किसी भी चीज़ की मांग ज़्यादा होती है, यानी कि जहाँ पे आय का वितरण समान हो वहाँ पे मांग ज़्यादा होती है, जहाँ पे आय का वितरण असमान, असमान का मतलब क्या है, कुछ अमीर लोग कुछ गरीब लोग, तो क्या है किसी एक वस्तु की मांग ज़्यादा नहीं, अमीर अपनी चीज़ की मांग कर रहा है, गरीब अपनी चीज़ की मांग कर रहा है, तो आय का वितरण जहाँ असमान होता है वहाँ मांग क्या होती है, कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है N मीन्स नंबर ऑफ पीपल, यानी कि पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या। जनसंख्या क्या है, ये तो सभी को पता है कि जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या ज़्यादा होगी तो मांग ज़्यादा होगी, और जब उस क्षेत्र की जनसंख्या कम होगी तो मांग क्या होगी, कम होगी। एक बार इसको पढ़ते हैं, कहते हैं किसी वस्तु की मांग उस क्षेत्र की जनसंख्या पर भी निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, जनसंख्या पर। यदि किसी क्षेत्र की जनसंख्या अधिक होगी तो मांग अधिक होगी, और जनसंख्या कम होगी तो मांग क्या होगी, कम होगी। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है S, यानी कि सीजन, यानी कि मौसम।
कि मौसम भी किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करता है, यानी कि जैसे कि सर्दियों में गर्म चीज़ों की वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है और गर्मियों में ठंडी चीज़ों की मांग बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, अगर आप में से किसी को भी इस क्लास की ये नोट्स के PDF चाहिए हो तो आप मेरे नंबर पे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, मेरा नंबर है 9903449472। ठीक है बच्चों, एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, 9034449472। आप इस पे इस क्लास की PDF ले सकते हैं कॉन्टैक्ट करके। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।